वेलकम बैक टू हीलिंग विद मैं वैद्य रुचि। हमारे शरीर को विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स, इन सारी चीजों की बहुत जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। इनमें से एक ऐसा विटामिन है जो बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार से ही ये विटामिन हमें मिलता है। वो जो माध्यम है, वो जो सोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इस वजह से भारतीयों में खासतौर पर इस विटामिन की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। इसकी कहीं ना कहीं वजह यह भी है कि वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जितने भी होते हैं, उसमें बहुत लिमिटेड ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिससे ये कमी आप पूरी कर सकते हैं या जिसमें ये विटामिन मिलता है आपको। इसकी वजह से वेजिटेरियंस में इसकी कमी आम तौर पर देखी जाती है। ये विटामिन है विटामिन B12। बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के सारे एसेंशियल फंक्शंस के लिए, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC को बनाने के लिए, DNA सिंथेसिस के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नसों नाड़ियों को हेल्दी रखने के लिए, उसको डैमेज से बचाने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है फोलिक एसिड के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होगी, उनमें फोलिक एसिड की भी कमी होगी, तो चाहे आप कितने भी टैबलेट्स फोलिक एसिड के ले रहे हो, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी। इसके साथ साथ और भी कई सारी परेशानियां होंगी, जैसे कि हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, मेमोरी इशू हो सकता है यानी कि याददाश्त से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, भूलने की परेशानी हो सकती है, सर में दर्द, भारीपन हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो एक बहुत डेंजरस कंडीशन है वो हो सकती है अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हाथ पैर में झुनझुनाहट महसूस होगी, सुन्नपन महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे चींटियां रेंग रही हैं हाथों में और पैरों में, खासतौर पर पैरों के तलवों में और हाथों की हथेलियों में ऐसा सेंसेशन देखने में आता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो पूरी तरीके से हाथ और पैर आपके कमजोर हो सकते हैं, शरीर में खून की कमी होगी, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, पेट गड़बड़ रहेगा, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस और कभी ब्लोटिंग, ये सारी चीजें आपको तंग करेंगी, थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, बार बार मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर की तकलीफ भी देखने में आती है अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन महसूस होगा, ये विटामिन B12, इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन कहते हैं, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो तनाव में रहेंगे आप। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो विटामिन B12 की कमी से शरीर में देखने में आती हैं। अब शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, इसको जानने के लिए बहुत आसान तरीका है लैब टेस्ट। लैब टेस्टिंग से ये आसानी से पता किया जा सकता है अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो, कि कहीं शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो नहीं। आज का ये वीडियो स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि नॉन वेज फूड आइटम्स में तो विटामिन B12 आसानी से मिल ही जाता है। समस्या हम वेजिटेरियंस के साथ है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड फूड चॉइसेस हैं जिनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं फूड चॉइसेस के बारे में बात करेंगे कि आप आसानी से इन सारी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके बच सकते हैं विटामिन B12 की कमी से। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इसी तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी खाने पीने की चीजें हैं जिनसे विटामिन B12 हम वेजिटेरियंस को मिल सकता है। सबसे पहले जो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, वो है दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे दही, चीज, पनीर, मट्ठा, ये जितनी भी चीजें हैं इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जैसे कि पालक, चुकंदर, गाजर, या तो भुने हुए चने या तो अंकुरित चने। इसके अलावा मूंग की दाल, अगर उसको स्प्राउट कर लिया जाए और स्प्राउट के रूप में अगर उसको खाया जाए तो उससे भी आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिलता है। ये थी वेजिटेरियंस के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस जिनमें आपको विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मिल जाती है, तो इनको अपने डाइट में जरूर शामिल करें। अब हम वेजिटेरियंस में एक कैटेगरी और हो गई है एगिटेरियंस की, यानी कि मांस वगैरह नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, लेकिन अंडा खा लेते हैं कभी कभार। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे से आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिल जाता है। यहाँ आपको ध्यान बस ये देना है कि अंडे का जो योक पार्ट होता है यानी कि पीला वाला जो हिस्सा होता है उसमें विटामिन B12 मौजूद होता है, तो आप अंडे को योक के साथ ही खाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।